नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि होटल रेस्टोरेंट पे वेज और नॉन वेज किचन को अलग अलग होना चाहिए। अग्रवाल ने कहा कि जो सेंसिटिव इलाके हैं और कहीं वेज नॉन वेज दोनों मिलता है तो स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की मान्यता और विश्वास को तोड़ने का काम हमें नहीं करना चाहिए। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान में जब हम जाते हैं तो वहां लिखा होता है हिंदुस्तानी होटल, लेकिन उसको चलाने वाले बांग्लादेशी या पाकिस्तानी होते हैं। तो वैसी स्थिति हमारे देश में ना बने, ऐसी कोशिश होना चाहिए। देखिए, जो सेंसिटिव एरिया हैं या लोगों का कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, तो किसी होटल में अगर नॉनवेज और वेज का एक ही किचन है तो अलग अलग होना चाहिए। अगर किसी ढाबे में, किसी होटल में वेज नॉनवेज दोनों मिलता है तो स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तो लोगों की जो मान्यताएं हैं या लोगों का अपना जो एक विश्वास है उसको तोड़ने का काम हम नहीं करें, क्योंकि जब हम अमेरिका में जाते हैं, जब हम इंग्लैंड में जाते हैं, जब हम जापान में जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है हिंदुस्तानी होटल, परंतु चलाने वाले होते हैं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी। तो वैसी स्थिति हमारे हिंदुस्तान में ना बने, ये हमारी कोशिश है। तो ये ब्रजमोहन अग्रवाल को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें किचन अलग अलग होने चाहिए, वेज अलग बनना चाहिए, नॉन वेज अलग बनना चाहिए। किसी की भी मान्यताएं हैं, धर्म हैं, उनके साथ खिलवाड़ ना हो। तो जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें भी किचन अलग अलग हो, वेज का अलग हो, नॉन वेज का अलग हो। और खुद का भी उदाहरण उन्होंने दिया कि मैं नॉन वेज नहीं खाता और मैं ये खाना भी नहीं पसंद करूंगा कि जहां पर नॉन वेज बनता हो वहीं से मैं वेज खाऊं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सियासत अब तक चल रही थी दुकानों के ठेलों पर नाम को लेकर के, अब सियासत हो रही है किचन को लेकर के कि वेज और नॉन वेज का किचन अलग अलग हो। सांसद जी बयान दे रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, रायपुर में ये शिकायतें लगातार सामने आ रही है कि कई बड़े होटल और रेस्टोरेंट में जो है वेज नॉनवेज एक साथ रखा गया है। कई जो खाद्य विभाग के छापे पड़े हैं उसमें ये बात सामने भी आई। पिछले समय जो विवादित अशोका बिरयानी मामला था, वहाँ भी जो है वो पनीर मंगाया गया था और पनीर की जगह उसमें चिकन मिला, नॉनवेज मिला। ऐसे ही अलग अलग बड़े रेस्टोरेंट में मामले सामने आते रहे। इसकी शिकायत लगातार खाद्य विभाग को की जाती रही है, लेकिन उस स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई है, उस स्तर पर कड़ाई नहीं होती। ये बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट है जो रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित है। आज भी जो छापेमारी हुई है उसमें वेज नॉनवेज एक ही जगह रखे पाए गए। इसको लेकर जो है सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी यही कहा है कि इस तरीके से जो प्रवृत्ति है उस पर रोक रखना चाहिए, प्रशासनिक कड़ाई होना चाहिए, क्योंकि जो मान्यताएं किसी की होती है अगर वो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनकी मान्यताओं को ठेस पहुंचती है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर वेज नॉनवेज हो तो पूरा किचन अलग होना चाहिए। और ये नियम भी है, उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जब वो विदेश गए थे तो वहां पर हिंदुस्तानी भोजनालय नाम लिखा रहता लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी उसे संचालित करते रहते। तो इस तरीके से सिंडिकेट भी एक तरीके से चलता है लोगों की मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के लिए। तो इस पर ही उन्होंने बात कही, लोगों की आस्था से जुड़ा है, क्योंकि अगर जो नॉनवेज नहीं खाते उनको वो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस पर पारदर्शिता होना चाहिए और रेस्टोरेंट मालिकों को भी इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, उन्होंने यही कहा है। जी बाकी मान्यताओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये सही बात है, पर यहाँ पर जिस तरह से एक के बाद एक मांगे उठती जा रही हैं, आप किचन को लेकर के कि वेज अलग हो नॉन वेज हो, ये तो मेंशन रहता है जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कि यहाँ पर नॉन वेज भी मिलता है, वेज भी मिलता है। अभी तो ये मांग उठ रही है, हो सकता है आप थोड़ी देर में ये भी मांग आ जाएगी, जो शेफ होते हैं वो भी अलग अलग रखिए, भले आप अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते, हम उनके हाथ का नहीं खाएंगे। तमाम मुद्दे हैं, हालांकि देखने वाली बात होगी ये सियासत कहाँ तक जाती है। बहुत शुक्रिया। रायपुर में खाद्य विभाग की टीम ने मैग्नेटो मॉल और सिटी सेंटर मॉल में रेड मारी। यहां के फूड आउटलेट पर टीम ने छापेमारी की। मैग्नेटो मॉल में केएफसी में कई बार यूज किए फ्राइड ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी के साथ ही वेज और नॉन वेज अलग अलग नहीं पाया गया, इनको नोटिस जारी किया गया। तो वहीं सिटी सेंटर मॉल पंडरी में पिज्जा हट में वेज और नॉन वेज फूड को एक ही फ्रीजर में रखा जा रहा था। इसी के साथ ही किसी प्रमाणित एजेंसी से पेस्ट कंट्रोल नहीं कराया गया था, जिस पर अधिकारियों की टीम ने नोटिस जारी किया। वहीं दो बेकरी शॉप में छापा मारा गया, जन्नत बेकरी और अमानत बेकरी में
खराब पेस्ट्री के क्रीम ब्रेड को नष्ट किया गया। महतारी वंदन राशि की मांग को लेकर रायपुर में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बंगले का घेराव करने निकली महिलाओं को पुलिस ने काली बाड़ी चौक के पास रोक दिया। कांग्रेस नेता ने कहा किसी को एक किश्त तो किसी को केवल दो किश्त मिली। उन्होंने महतारी वंदन योजना को चुनावी स्टंट बताया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले बड़े वादे किए थे कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से लोगों को पैसा मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साइंस कॉलेज में ऐलान किया था कि कलेक्टर की पत्नी आएगी, कार से उतरेगी और 1000 रुपया मिलेगा। ये तमाम वो महिलाएं, ये तो चुनिंदा हर वार्ड से एक एक दो दो महिला हैं जिनके ना अकाउंट में पैसा आ रहा है, या किसी को एक किस्त मिला है, किसी को पेंशन मिलता है, आधा पैसा महतारी वंदन योजना में मिल रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री ओपी चौधरी जी कहते हैं कि सबको पैसा मिल रहा है। ये रायपुर शहर है जहां से मंत्रालय चलता है, जहां से सरकार चलती है, ये वहां की महिला बहनें, इनको पैसा नहीं मिल रहा है। रायपुर में अनियमित कर्मचारियों ने हल्ला बोला है। बता दें तूतापानी धरना स्थल पर प्रदर्शन किया गया। प्रदेश भर के कर्मचारी यहां पर पहुंचे और सरकार से परमानेंट करने सहित 10 मांगें पूरी करने की मांग इनके द्वारा की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश के अनियमित कर्मचारी जो है वो तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन के लिए डटे हुए हैं। सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रदेश भर से जो सैकड़ों कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण समेत कई मांगे कर रहे हैं। इसके साथ ही जो है छत्तीसगढ़ वेयर हाउस से जुड़े जो कर्मचारी अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। मांगे क्या हैं आप लोगों? देखिए हमारी मांगे जो प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, जो न्यून वेतन पाने वाले कर्मचारी उसको न्यूनतम वेतन देने, अंशकालीन से पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग, ठेका, सेवा प्रदाता, स्व सहायता समूह या समिति के माध्यम से कर्मचारी रखे गए हैं उनको विभाग सीधे विभाग से रखने, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर ध्यान आकर्षण सभा कर रहे हैं। इसी मिनिस्टर से बात हुई, शासन स्तर पर बात हुई है, क्या कुछ कह रहे हैं? हम अपनी लेटर तो अभी सभी नेता मंत्री लोगों के पास में दे चुके हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है अभी, और अभी अगर नहीं होगा तो और हम लोग हड़ताल पे अभी बैठेंगे। तो ये आपने सुने कर्मचारियों को, उनका साफ तौर पे कहना है, लंबे समय से मांग कर रहे हैं और शासन स्तर पर भी अपनी बातें रखे हैं, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन उग्र होगा और प्रदेश स्तर पर ये आंदोलन चलेगा। बिलासपुर में बढ़ते मलेरिया और डायरिया को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। डायरिया मलेरिया के अब तक 500 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास, पंचायत, ग्रामीण, नगर निगम को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। जिले में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 1 मौत डायरिया और 4 मलेरिया से हुई है। मलेरिया के 24 केस मिले, इनमें 5 की हालत गंभीर है जिनका सिम्स में इलाज भी चल रहा है। जहाँ तक मलेरिया की बात है, कोटा विकास खंड के कुछ जो खासकर अचानक मार से लगे हुए क्षेत्र हैं, लगभग 15 से 20 पंचायत हैं, इन सब जगह मलेरिया की शिकायतें आती रहती हैं। अभी जैसे अभी बारिश का समय है तो वहाँ पे कुछ केसेस आ रहे हैं, इस संबंध में कुछ शिकायतें मिली थी वहाँ पे, तो हमने पूरी टीम के साथ वहाँ पे विजिट भी किया है और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम लगी हुई है। पिछले 3 दिनों से हम लोग डोर टू डोर सर्वे करा रहे हैं। तो मलेरिया से सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर बीजापुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मलेरिया डराने लगा है। मलेरिया पीड़ितों का आंकड़ा 2000 पार कर चुका है। 2 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। स्कूलों, हॉस्टल, ग्रामीण इलाकों में जांच अभियान भी चलाया गया। 320 संस्थानों के 20,627 बच्चों और 1,94,163 ग्रामीणों की मलेरिया जांच की। जिले में अब तक कुल 2016 लोग मलेरिया पॉजिटिव मिले। लोगों का मलेरिया परीक्षण किया है और अब तक कुल 2016 मलेरिया से ग्रसित पाए गए हैं, जिसमें से 320 स्कूल, कोटा के विभिन्न छात्रावास, आश्रम के बच्चे भी शामिल हैं। और बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले 2 बच्चों की
मृत्यु भी हुई है। तो सभी स्कूल पोटा केबिन को लगभग मलेरिया मुक्त अभियान के अंतर्गत जांच पूर्ण कर लिया गया है। बिलासपुर के सरगिट्टी इलाके में आशापुरम में जमीन कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। यहां की जमीन पर एक पक्ष वहां बोर उत्खनन करने लगा। काम रुकवाने के लिए दूसरे पक्ष ने दबाव बनाया। रिपोर्ट के बिना आदेश के पुलिस ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगा। थाना प्रभारी कांग्रेस नेता के पक्ष में दबाव बना मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई और पुलिस ने दोनों पक्षों को जमीन के वैध दस्तावेज लेकर सरगिट्टी थाने बुलाया। एक पक्ष ने मौके पर पुलिस के संरक्षण में बोर खनन का कार्य कराने भेदभाव का आरोप लगाया। अगर बोलना चाहते हो बोल लो, तुमको पुलिस के आरोप लगाने पे कोई काम तो नहीं। आपको बंद करना चाहिए, मैं भी पक्ष आगे खड़ा हो गया हूँ। चलिए आओ ना भाई, तत्काल ले आओ ना तहसीलदार के पास। आप थाने में चलिए, चलिए चलिए। कागज मैं दे रहा हूँ, एक एक कागज दे रहा हूँ। बात करिए, कानून पे बात करिए। ये गलत। कवर्धा के वनांचल इलाकों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। यहां के स्कूलों की हालत जो है जर्जर हो चुकी है, शिक्षक भी नहीं है। तस्वीरें पंडरिया इलाका ब्लॉक के भापानी मिडिल स्कूल की हैं, जहां एक रसोईया के भरोसे स्कूल चल रहा है। यहां दो शिक्षक हैं लेकिन दोनों ही नदारद रहते हैं। तो नीचे आया है सर। हाँ। और बाकी दिन माँ की दिन आते सर। लड़का मन है, लड़के को लगाते हैं। हमारे वहाँ पानी की भर भाई आठ आठ दिन एक हफ्ते तक की नहीं आया। कुछ लड़का नहीं दिखा तुम आते हैं टाइम अभी वो दिए भगे सर गदगदाए कि तुम ही पहुँचे हूँ गदगदाए को भगे तो वही टाइम पानी। गुरु जी कैसे नहीं मिडिल स्कूल में दो जन है। अब कब आ रहे हैं? कल आ रहे हैं तो कल छुट्टी रहे का सर। अगर आ रहा है एक जन नायक आवाज आज नहीं आया है। मैं अमनी से। तो एक जन दूसरा कहाँ है? और नहीं आए हैं। नहीं आए लड़का मन भी नहीं दिखा था। लड़का मन खाना खाए के बाद मन भाग गए हैं, मतलब लंच के बाद। पानी तो कहाँ पड़ी फिर ईशन मोमन है? नहीं, पानी के नाम से भागे हैं सर। रोज इसने रहते बताते हैं, अभी नहीं करा। लड़का मन आते हैं लेकिन आज पानी गिरी नहीं देख नाम से भाग गए हैं। कते जन लड़का है? 10-12 जन आ रही है। आपके द्वारा इस संज्ञान में लाया जा रहा है कि बाह पानी में हमारे एक भी टीचर नहीं मिले, तो मैं डीओ संकुल सुमन के माध्यम से पता करता हूँ ये स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं। अगर नहीं जा रहे हों तो और निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। वनांचल में शिक्षा की क्या व्यवस्था है उसकी एक बानगी देखने को मिली है। न्यूज एजेंट की टीम जो है बाह पानी मिडिल स्कूल पहुंची। आप देख सकते हैं कि ये हाई स्कूल है, यहाँ पे अब बच्चे नहीं हैं और ना ही शिक्षक हैं। आप हम स्कूल के अंदर का हाल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ की बैठक व्यवस्था है, बच्चे कैसे बैठते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे, इसे देख कर अपन नज़र लगा सकते हैं कि आप ये जो रूम अभी हम आपको दिखाने वाले हैं ये रूम क्लास रूम है और यहाँ की स्थिति देखिए किसी कबाड़ से ये कम नहीं है। टेबल कहाँ पे रखा हुआ है, बोर्ड यहाँ पे कहाँ है, बच्चे कैसे बैठते होंगे और इसके ऊपर की स्थिति देखिए कि छज्जा जो है वो उसमें से पूरे जो प्लास्टर जो है वो उखड़ा हुआ है। प्लास्टर एक तरह से कहें तो गिरा हुआ है और ऐसे में बच्चों को बैठना तो असंभव ही नहीं है। किस स्थिति में बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते होंगे इसका एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। और आइए हम चलते हैं दूसरे कमरों का भी जायज़ा लेते हैं कि किस तरह से ये कहने के तो मिडिल स्कूल है पर मिडिल स्कूल के वस्तु स्थिति क्या है वो हम साफ तौर से देख सकते हैं कि ये क्लासरूम है। आप देखिए कि कहाँ से ये क्लासरूम लगता है, कैसे बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ते होंगे और इस मिडिल स्कूल में दो शिक्षकों की जो मौजूदगी है वो बताई जा रही है कि दो शिक्षक यहाँ पे तैनात हैं लेकिन दोनों शिक्षक वर्तमान में गायब हैं। ना यहाँ पर कोई शिक्षक है, ना यहाँ पर कोई बच्चे हैं और वो स्कूल की स्थिति देख कर भी आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ रह के बच्चे पढ़ते होंगे और शिक्षा ग्रहण करते होंगे। वनांचल में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और ना ही कोई सुध लेने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे पहुँचते हैं। पालक भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, बच्चे यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो भगवान भरोसे ही वनांचल के ये स्कूल संचालित हो रहे हैं। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़।